मुंगेली के बहुचर्चित हाई प्रोफाइल सूदखोरी मामले पर फरार आरोपी द्वारा पीड़िता को केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में गृह मंत्री के निर्देश पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष रोहित शुक्ला, जो कि वर्तमान में नगर पालिका के एक वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, के अलावा सरकारी कर्मचारी व्यवसायी सहित 13 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR को तो दर्ज कर लिया, पर महीनों बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस आरोपियों पर इस तरह मेहरबान है कि वो धड़ल्ले से शहर में घूम रहे हैं, यहाँ तक के आरोपी चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बनकर धड़ल्ले से प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं की गई। वहीं पीड़ित महिला शिक्षिका का कहना है कि आरोपी खुले में घूमकर उसे केस वापस लेने, जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसकी शिकायत की गई है। वहीं महिला आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी गृह मंत्री से गुहार लगा रही है। मामले पर एडिशनल SP ने बताया है कि TI को निर्देश किया गया कि आरोपी को गिरफ्तार करें। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अब मामले में दोहरी बात कहते हुए पल्ला झाड़ रहे हैं कि एक तो उन्हीं के निर्देश पर FIR दर्ज हुई, तो वही दूसरी तरफ अब उनका कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर आरोप जरूर लगे हैं, लेकिन सिद्ध नहीं हुआ है, इसने टिकट दिया है। अभी मेरे को 2-3 दिन से लगातार अप्रत्यक्ष रूप से धमकी भी दी जा रही है, जिसकी शिकायत मैं थाना सिटी कोतवाली में कर चुकी हूँ, और मैं खुद अपने आंखों से देखी हूँ कि ये सभी आरोपी जो हैं वो खुले आम मुंगेली शहर में घूम रहे हैं। थाना प्रभारी को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि शीघ्र विवेचना करें और आवश्यक कार्रवाई करें। कली का आवेदन भी दी है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है उन लोगों के द्वारा। नहीं, यदि ऐसा कोई आवेदन दिया गया है तो उसकी जाँच कराई जाए। ऐसा ही नहीं है, प्रत्याशी पार्टी ने टिकट दिया है तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसके ऊपर क्या आरोप है, जब ये दिन हो जाए तब की बात है।